नमस्कार, यूटीवी खबर को स्वागत। प्रथमे मुख्य खबर। रंगेलुंडा विमान घाटी अति शीघ्र विमान उड़ीबो बोली राज्य परिवहन मंत्री को सूचना। स्थायी विमान बंदर कराजिबा को विभिन्न महलरु दाबी। ओडिशा बिजुली कर्मचारी संघ तरफ टाटा पावर कार्यालय सम्मुखें धारणा 16 दिन में पहुंचला। संघ कर्मकर्ता ब्रह्मपुर विभिन्न स्थान में प्रतिवाद। गणतांत्रिक पद्धति में शांतिपूर्ण प्रतिवाद करुवा अन्नदाता गिरफ घटना को नहीं एआईकेकेएस तरफ दक्षिणांचल डीआईजी दृष्टि आकर्षण। ब्रह्मपुर में हाइकोर्टर स्थायी बेंच स्थापन दावी नहीं जनसाधारण सहयोग पर गंजाम वकिल संघ तरफ पोस्टर मरा अभियान। स्तन्यपान को सुरक्षित करने दायित्वबोधर परिचय देवा बार्ता ने जिलास्तर विश्व स्तन्यपान सप्ताह पालन बैठक अनुष्ठित। हेल्प ब्रह्मपुर ब्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरफ सिटी हॉस्पिटल को एक आंबुलांस एक्सरे मशीन सह अन्यान्य चिकित्सा जनित जंत्रपाति प्रदान। राज्य में नियंत्रण में कोरोना संक्रमण दिनक 1208 जन पॉजिटिव चिन्हट 66 जन मृत। गंजाम जिलूर 12 जन चिन्हट 10 जन मृत एवं ब्रह्मपुर महानगर 6 स्थान में केवल कोविशील्ड टीका प्रदान। प्रथम डोज कोवैक्सीन टीका मिलूनवा जो असंतोष। एथर संपूर्ण खबर। रंगेलुंडा विमान घाटी अति शीघ्र विमान उड़ीबो बोली राज्य परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा सूचना देछन्दे। दीर्घ दिन धरी रंगेलुंडा विमान घाटी विमान चलाचल कराजिबा को ब्रह्मपुर विभिन्न अनुष्ठान तरफ दावी होई आसुछे। वर्तमान रंगेलुंडा समेत जयपुर विमान सेवा आरंभ होबो बोली मंत्री बेहरा सूचना देछन्दे। रंगेलुंडारु विशाखापाटना पर्यंत एपरी विमान व्यवस्था अति शीघ्र आरंभ होबो बोली जणा पडिछे। तेबे स्थायी विमान बंदर कराजिबा को विभिन्न महलरु दाबी होइछे। ओडिशा बिजुली कर्मचारी संघर धारणा 16 दिन में पहुंचा जो संघ पक्षर् असंतोष वृद्धि पावर लगी। धारणा को जोरदार करने विभिन्न कर्मचारी जनसचेतनता जारी रखिंट। परिप्रेक्षी संघर कर्मकर्ता ब्रह्मपुर विभिन्न स्थान में प्रतवाद करते तुरंत दावी पूरण न आंदोलन जारी रही। से बहु कर्मकर्ता भिक्षावृत्ति कर दावी पूरण ने टाटा पावर करतृपक्ष दृष्टि आकर्षण कर। गणतांत्रिक पद्धति में शांतिपूर्ण भाव प्रतिवाद करुवा अन्नदाता षड्यंत्र और अन्याय भाव गांगोपुर थानाधिकारी गिरफ कर घटना को नहीं शुक्रवार ब्रह्मपुर ठारे एआईकेकेएस राज्य संपादक शंकर साहू और अन्य कर्मकर्ता दक्षिणांचल डीआईजी दृष्टि आकर्षण कर। घटनारे प्रकृत तदंत कर सत्यासत्य उन्मोचन करषक नेता साहू दावी करते मिथ्या अभियोगकारी और षड्यंत्र करथिबा व्यक्तिन को विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान सह दायित्व ठीक भावे तुलाई नथिबा थानाधिकारी को विरोध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ बोली एठारे एक दाबीपत्र माध्यम रे डीआईजी को दृष्टि आकर्षण करा जायथिला। एथिरे अवनी गया, मधुसूदन सेठी, आदित्य रथ, रमेश चंद्र परिडा, प्रताप प्रधान, एसके प्रधान, सुभाष चंद्र राउत, मनोज कुमार तरी प्रमुख उपस्थित थिले। पुलिस गांगपुर थाना अधिकारी जो भाई मिथ्या मकदमा और षड्यंत्र अन्यापन भाव रचिंट से छजन को प्रथम गिरफ करे 25 मई मध्यरात्रि एवं छजन गिरफ कर 18 दिन जेल रे आम खबर जानलु जे गिरफ कर आम उपर केस रुजुई तापर पर बेल भी आने बेल आने पुणी थे तीन जन को अन्यापन भाव गिरफ्त कले समुदाय 15 जन एपरिक मो ना 307 भाई संगीन दफा लग जाइए। चाषी मैंने जानते से शांतिपूर्ण भाव करती से आम देश अन्नदाता अन्नदाता जदि से फसल बिक्री करने जो दाबी करेंगे सरकार अपारगता विरुद्ध जो स्वर उत्तोलन करेंगे ता विरुद्ध जदि से दाबी को मानवा बदल जदि षड्यंत्र मिथ्या मकदमा करेंगे ताल
ଚାଷୀ ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁ 307 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଯାଇଛି, 2-2 କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଦ ମାଫିଆ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରରୋଚନାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦଫା ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଲଗାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଦାବି ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଅଟୋ, ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ରେ ଶୁକ୍ରବାର ମରାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏପରି ପୋଷ୍ଟର ବା ଷ୍ଟିକର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଉପସଭାପତି ବି ଭାଗିରଥୀ ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଓ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ର, ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପସ ସାହୁ, ଅସିତ ସାବତ, ସୃଜ୍ୟ ସୁବୁଦ୍ଧି, ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ, ଶିଲା ସୁପ୍ରିୟା, ବରୁଣ ଗୌଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସୁଶୀଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାପୁଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଧୀର ମିଶ୍ର, ବିରଞ୍ଚି ମହାପାତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ରାଓ ଓ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସି ହଲ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ତନ୍ୟପାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପରିଚୟ ଦେବା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏଠାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମା'ମାନେ କିଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନିଜ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଭଲଭାବେ ସାବୁନରେ ଧୋଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ କେବଳ ମା' କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଆର୍ଜେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଭି ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ, ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀ, ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ସୁଷମା ସ୍ୱାଇଁ, ଶକ୍ତି କୁମାର ଦିଗାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରେମ୍ ଓ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲ୍ପ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରେଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୁ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, PDDRDA ସିନ୍ଧେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ, ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା, ଧୀରଜ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିବାସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲ୍ ବରହମପୁର ବ୍ରିଥ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍, ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ NGO ଏ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହାର ଏବେ ସେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 1208 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାତ୍ର 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।
राज्य में 66 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु घटी बेले से गंजाम जिलूर रेकर्ड संख्यक 10 जन मृत्युवरण करते कोरोना महामारी को दृष्टि रखी समस्त जनसाधारण मास्क परिधान करने सामाजिक दूरता रक्षा करने सतर्क रही कटकणा नियम मानि चल प्रशासन पक्ष परामर्श दि जा ब्रह्मपुर महानगर 6 स्थान में केवल कोविशील्ड टीका गुरुवार प्रदान ऑनलाइन किंबा सीधा सड़क आधार कार्ड जरिया एपरि टीका प्रदान करा महानगर आस्का रोड यूपी स्कूल मीनाक्षीनगर कॉर्पोरेशन कोठा आंकुली यूपी स्कूल रामलिंगेश्वर पार्क टाउन हॉल और विद्युतपुरी कॉर्पोरेशन गृह ठारे कोविशील्ड द्वितीय डोज टीका प्रदान करा टीकादान पर महानगर निगम तरफ स्वास्थ्य विभाग सहयोग में समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करा तेबे प्रथम डोज कोवैक्सीन टीका मिलुनथबा जोगु असंतोष प्रकाश पाइछे। कोविड रे बहु आईनजीवी मृत्यु होइछे। गंजाम वकिल संघर 9 जन आईनजीवी परिवार को 50,000 टंका लेखाएं कोविड मृत्यु सहायता प्रदान करा जिवो बोली गंजाम वकिल संघ उपदेष्टा कमिटी बैठक में निष्पत्ति होइछे। एही अवसर में संघ सभापति जनार्दन सुबुद्धि, संपादक प्रदीप बेहरा, उपसभापति भागीरथी राव, सह संपादक सुधीर कुमार पात्र, उपदेष्टा कमिटी सदस्य बसंत पंडा, शिशिर पाढ़ी, एस रामकुमार, मोहन सिंगारी, कपिलेश्वर पटनायक, दीपक पटनायक, के कुमारकांत बेहरा और सुधांशु पंडा प्रमुख उपस्थित थे। ब्रह्मानगर द्वितीय लाइन ठारे शुक्रवार भेषज क्लिनिक रो शुभारंभ होइछि। एही अवसर में अतिथि रूपे विधायक विक्रम कुमार पंडा, पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र चाव पटनायक और राज्य बीजेडी संपादक सुभाष महाराणा प्रमुख जोगदे एही क्लिनिक रो शुभारंभ करथिले। भेषज क्लिनिक रो मुख्य परिचालक संतोष कुमार पात्र और धरणीधर दासंक समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति एही अवसर में उपस्थित थिले। एठारे आपोलो डायग्नोस्टिक रो व्यवस्था मध्य रहिछि। सेहीपरि विभिन्न अभिज्ञ डाक्टर मानंक द्वारा प्रतिदिन सकाळ 8:00 रु रात्र 10:00 पर्यंत मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति, चर्म, कर्कट, दंत, न्यूरोलॉजी, जखमा और छाती रोग, शिशु रोग, नेफ्रोलॉजी और ऑर्थोपेडिक रोगर चिकित्सा सह डाक्टरों परामर्श और औषध विक्रय केन्द्रर मध्य व्यवस्था करा जायछि। आंकुली निकटस्थ श्रीहरि नगर तृतीय लाइन ठारे शुक्रवार 150 वृक्षरोपण करा निंब, बौल और कदम्ब वृक्षरोपण करा राज्य बीजेडी संपादक तथा वृक्ष प्रेमी सुभाष महाराणा निजस्व पांठिरु कार्यक्रम जारी रही। अवसर में श्रीहरि नगर उन्नयन कमिटी शरद कुमार जेना, विकास पाढ़ी, निरंजन स्वाई, प्रभाकर नाहक, रविनारायण पटनायक, टुनाचंद्र पंडा, एल सुदाम दास, रघु रेड्डी, सुशांत कुमार जेना, वेंकट रेड्डी, बाबू रेड्डी, गार्गी विश्वाल, संदीप विश्वाल, सुरेंद्र मोहन पटनायक, बी संतोष कुमार दोरा, भगवान नाहक, सीमांचल भंज, श्रीधर पात्र प्रमुख उपस्थित थे। भारतीय जनता युव मोर्चा पुणा ब्रह्मपुर मंडल सभापति कमल पात्र जन्मदिन उपलक्षे शुक्रवार जेनासाही राधाकृष्ण कल्याण मंडप परिसर में मागणा चक्षु चिकित्सा और रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाए। मुख्य अतिथि रूपे जिला बीजेपी सभापति विभूति भूषण जेना जोगदे शिविर शुभारंभ करते वरिष्ठ बीजेपी नेता कान्हुचरण पति, रामकुमार पात्र, प्रभात षडंगी, युवमोर्चा उपसभापति किरण साहू, शरद साहू, अमूल्य चौधरी, प्रहलाद पाणिग्राही, मधुसूदन साहू, के रवि राव, चंदन साहू, शिव नायक, प्रियव्रत पाणिग्राही, चैतन्य कुंडु, पुरुणा ब्रह्मपुर बीजेपी मंडल सभापति विनायक रथों समेत बहु बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
एठारे सर्वमोट 43 यूनिट रक्त संग्रह करा सह नवनिजुक्त जिला युवमोर्चा कार्यकर्ता मानू संबर्धित करा जायथिला। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ओडिशा प्रदेश रो मुखपात्र और विभिन्न जिलार प्रवक्ता नाम शुक्रवार भुवनेश्वर ठारे आयोजित प्रथम राज्य कार्यकारिणी बैठक में घोषणा करा जायछे। एही परिप्रेक्षी रे ब्रह्मपुर सूर्यनारायण दास को मुखपात्र भाव घोषणा करा जायथिला। जनसंख्या वृद्धि जोगु उत्पन्न होउथबा विभिन्न समस्या उपरे ठारे आलोचना करा जायथिला। एही अवसर रे फाउंडेशन रो बहु कर्मकर्ता उपस्थित थिले। खेल खबर। अगस्ट 9 12 तारीख पर्यंत पंजाब पातियाला ठारे सर्वभारतीय स्तरीय जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता अनुष्ठित हो। एथिरे जोगदेबा पई ओडिशारु 22 जन प्रतियोगी मनोनीत होईछन्ते। सेमानक मध्यरु सब जूनियर पुरुष विभाग रे कृष्णचंद्र नायक, मुकेश भिका, सदानंद भारिया, प्रभात झड़िया, कुलदीप साहू, पुनीत साहू रहिथिबा बेले सब जूनियर महिला विभाग रे संध्याराणी नायक, मीना साहू, संगीता पाढ़ी, संदारी सामद, मोनाली साहू, के अभिप्सा प्रमुख रही। सेहीपरी जूनियर पुरुष विभाग रे आदित्य साहू, राजेन्द्र मुदुली, नंदन साहू, जूनियर महिला विभाग रे स्नेहा सोरेन, मोती जानी, श्वेतालीना नायक, सीनियर पुरुष विभाग रे मुना नायक, मिहिरकान सेठी, सीनियर महिला विभाग रे स्नेहा सोरेन और सरस्वती राउत प्रमुख रही। शुक्रवार एही प्रतियोगी माने ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रो पातियाला अभिमुखे यात्रा करिछन्ते। एही दल रे कोच कुजुम पंजाबी और विवेकानंद साहू यात्रा करिछन्ते। रेफरी भावे ओडिशा भारोत्तोलन संघ संपादक नारायण साहू और रमेश चंद्र पाढ़ी यात्रा करिछन्ते। एही प्रतियोगी माने सफलता हासिल करिवे बोली सभापति इंजीनियर चित्तरंजन स्वाई, गागारिन नायक, सीता प्रसाद पटनायक और अन्यान्य कर्मकर्ता आशा रखिछन्ते। खबर शेष करिबा पूर्वरु मुख्य खबर पुणि थरे। रंगेलुंडा विमान घाटी अति शीघ्र विमान उड़िबो बोली राज्य परिवहन मंत्री सूचना। स्थायी विमान बंदर कराजिबाकु विभिन्न महलरु दाबी। ओडिशा बिजुली कर्मचारी संघ तरफरु टाटा पावर कार्यालय सम्मुखरे धारणा 16 दिन रे पहुंचिला। संघ कर्मकर्तांक ब्रह्मपुरर विभिन्न स्थानरे प्रतिवाद। गणतांत्रिक पद्धतिरे शांतिपूर्ण प्रतिवाद करुथबा अन्नदातांकु गिरफ घटनाकु नै AIKKS तरफरु दक्षिणांचल DIG दृष्टि आकर्षण। ब्रह्मपुररे हाइकोर्टर स्थायी बेंच स्थापन दाबी ने जनसाधारण सहयोग पाई गंजाम वकिल संघ तरफरु पोस्टर मरा अभियान। स्तन्यपानकु सुरक्षित करिबा दायित्वबोधर परिचय देबा बार्ता ने जिलास्तरीय विश्व स्तन्यपान सप्ताह पालन बैठक अनुष्ठित। हेल्प ब्रह्मपुर ब्रेथ ऑर्गेनाइजेशन तरफरु सिटी हॉस्पिटल को एक आंबुलांस, एक्सरे मेसीन सह अन्यान्य चिकित्सा जनित जंत्रपाति प्रदान। राज्य में नियंत्रण में कोरोना संक्रमण दिनक 1208 जन पॉजिटिव चिन्हट, 66 जन मृत। गंजाम जिलूर 12 जन चिन्हट, 10 जन मृत। एवं ब्रह्मपुर महानगर 6 स्थान में केवल कोविशील्ड टीका प्रदान, प्रथम डोज कोभाक्सीन टीका मिलून जो असंतोष। यूटीवी खबर को वर्तमान पर रखु। नमस्कार।